अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने आउटपुट डिवाइसेस के टॉपिक के अंदर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस में डिस्प्ले स्क्रीन्स और इनके फीचर्स को डिटेल में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम डिस्प्ले स्क्रीन की टाइप्स सीआरटी और फ्लैट पैनल डिस्प्ले स्क्रीन्स को डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों आइए अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। कुछ साल पहले आपने इस तरीके के मॉनिटर्स और टीवीज देखे थे जो कि कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स कहलाते थे, क्योंकि इनके अंदर एक कैथोड रे ट्यूब मौजूद होती थी जिसकी मदद से स्क्रीन पर मौजूद तस्वीरें दिखाई जाती थी। तो दोस्तों फिर इनकी जगह फ्लैट पैनल डिस्प्ले स्क्रीन्स ने ले ली। फ्लैट पैनल डिस्प्ले स्क्रीन्स की तीन टाइप्स हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले एंड ग्लास प्लाज्मा डिस्प्ले। दोस्तों आइए हम इनको बारी बारी डिटेल में पढ़ते हैं। सीआरटी मुखफिफ है कैथोड रे ट्यूब का, जैसे कि हम जानते हैं कि कैथोड रे ट्यूब को इस्तेमाल करती है। ये टेक्नोलॉजी 1980 से पहले बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन अब ना होने के बराबर रह गई है। दोस्तों इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गन की मदद से इलेक्ट्रॉन स्क्रीन पर मारे जाते हैं। स्क्रीन पर एक खास किस्म के मटेरियल की कोटिंग हुई भी होती है जो कि फॉस्फोरस कहलाता है। जब इलेक्ट्रॉन्स फास्फोरस को हिट करते हैं तो फास्फोरस स्क्रीन चमकने लग जाती है। दोस्तों सीआरटी मॉनिटर्स के अंदर मौजूद कंपोनेंट्स को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले पिंस, जिनकी मदद से कैथोड रे ट्यूब को इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है। पिंस जिससे जुड़ी हुई होती हैं वो बेस कहलाती है। बेस के साथ ही एक इलेक्ट्रॉन गन मौजूद होती है। इलेक्ट्रॉन गन के जरिए इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन गन के बाद एक फोकसिंग सिस्टम लगा होता है और फोकसिंग सिस्टम के आगे हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स लगी होती हैं जो कि एक दूसरे पर हॉरिजॉन्टली रखी हुई होती हैं। इसके बाद वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स मौजूद होती हैं जो कि ऊपर और नीचे लगी हुई होती हैं। दोस्तों उसके बाद एक शीट मौजूद होती है जिसकी मदद से इलेक्ट्रॉन्स मखसूस जगह पर मारे जाते हैं, और उसके बाद स्क्रीन यानी फॉस्फोरस स्क्रीन होती है जिसकी मदद से हम स्क्रीन पर मौजूद वीडियोस को देखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि ट्यूब लाइट्स के अंदर वाइट पाउडर होता था जिसकी मदद से वो ग्लो करती थी, तो उसके अंदर भी फास्फोरस को इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों आइए हम इसकी वर्किंग को और डिटेल में पढ़ते हैं। दोस्तों जिस तरीके से जब बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है तो बल्ब गर्म होना शुरू हो जाता है और लाइट को फेंकने लगता है, बिल्कुल इसी तरीके से जब कैथोड रे ट्यूब को इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है तो इसके अंदर एक गन मौजूद होती है और उस गन के अंदर मौजूद फिलामेंट गर्म होना शुरू हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स को फेंकना शुरू हो जाता है। दोस्तों वो इलेक्ट्रॉन्स स्कैटर्ड मोशन में होते हैं यानी हर तरफ फैल रहे होते हैं, तो उनको एक लाइन में रखने के लिए सबसे पहले फोकसिंग सिस्टम लगाया जाता है। फोकसिंग सिस्टम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए उन इलेक्ट्रॉन्स को एक लाइन में जाने पर मजबूर कर देता है। फोकसिंग सिस्टम के बाद हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स मौजूद होती हैं जो कि उन इलेक्ट्रॉन बीम्स को हॉरिजॉन्टल लाइन में जाने पर मजबूर कर देती हैं। उसके बाद वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स होती हैं जो कि उन इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर और नीचे जाने से रोकती है। तो दोस्तों उसके बाद एक शीट मौजूद होती है जिसके ऊपर छोटे छोटे सुराख होते हैं। ये शीट फास्फोरस स्क्रीन और इलेक्ट्रॉन बीम के दरमियान मौजूद होती है। इस शीट के जरिए इलेक्ट्रॉन बीम यानी इलेक्ट्रॉन स्क्रीन पर मौजूद मुख्तलिफ पॉइंट्स पर मरकूज कर दिए जाते हैं। दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होते हैं और फास्फोरस स्क्रीन पॉजिटिव चार्ज होती है, तो इस वजह से जैसे ही इलेक्ट्रॉन फास्फोरस पर पड़ते हैं वो चमकना शुरू हो जाती है। दोस्तों फास्फोरस के अंदर एक क्वालिटी होती है कि जैसे ही यानी जितनी जल्दी वो चमकना शुरू कर देती है उतनी ही जल्दी फेड होना शुरू हो जाती है यानी उसकी चमक कम होती जाती है, जिसकी वजह से हमें मुसलसल इलेक्ट्रॉन्स को फेंकने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स के ये बीम एक सेकंड में 60 मर्तबा यानी 60 मर्तबा हरकत करती है।
ये इतनी तेजी से होता है कि इंसानी आंख इसको देखने से कासिर रहती है, लेकिन हम स्क्रीन पर मौजूद चीजें मुसलसल देखते रहते हैं। दोस्तों ये थी सीआरटी मॉनिटर्स की इंटरनल वर्किंग। दोस्तों सीआरटी मॉनिटर्स दो टाइप के होते हैं, मोनोक्रोम जो कि एक वक्त में इनके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन गन सिर्फ एक रंग के इलेक्ट्रॉन्स को फेंक सकती है। उसके बाद आरजीबी सीआरटी मॉनिटर्स आ गए जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन गन एक वक्त में तीन तरह के इलेक्ट्रॉन बीम्स को फेंकती है जिनमें रेड, ग्रीन और ब्लू बीम्स मौजूद होते हैं। दोस्तों सीआरटी मॉनिटर्स अपने भारी वजन और लार्ज साइज होने की वजह से अब ज्यादा इस्तेमाल नहीं किए जाते, ये जगह भी ज्यादा लेते हैं और जगह के साथ साथ इनको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा दरकार होती है। इनके अंदर मौजूद तस्वीरें हाई रेजोल्यूशन की नहीं होती, उसके बाद इनको खरीदने के लिए इनकी कीमत भी बहुत ज्यादा होती है। दोस्तों इनका एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि इनके अंदर से ऐसी शुआएं निकलती हैं जो कि इंसानी आंख के लिए मुजर होती हैं। तो दोस्तों अब इनकी जगह फ्लैट पैनल डिस्प्ले स्क्रीन्स ने ले ली। फ्लैट पैनल डिस्प्ले स्क्रीन्स ना सिर्फ कम कीमत की होती हैं बल्कि इनके अंदर मौजूद तस्वीरें बहुत ज्यादा हाई रेजोल्यूशन की यानी बहुत ज्यादा साफ और क्लियर तस्वीरें दिखाई जाती हैं। दोस्तों ये पतली और हल्के वजन होने की वजह से ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं और इसी वजह से ये ना सिर्फ कम जगह लेती हैं बल्कि इनको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी कम दरकार होती है। और दोस्तों इनका एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि इनके अंदर से हार्मफुल रेडिएशंस प्रोड्यूस नहीं होती जैसे कि सीआरटी मॉनिटर्स के अंदर प्रोड्यूस होती थी। दोस्तों इनकी सबसे पहली टाइप है एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले स्क्रीन्स, इन्हें एलसीडीज भी कहा जाता है। ये आमतौर पर डिजिटल वॉचेस, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स और टेलीविजन स्क्रीन्स के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। दोस्तों जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि ये खास किस्म के लिक्विड क्रिस्टल्स को इस्तेमाल करते हैं, वो लिक्विड क्रिस्टल सॉलिड और लिक्विड के दरमियानी फॉर्म होती है। दोस्तों इन लिक्विड क्रिस्टल्स की क्वालिटी होती है कि इनके अंदर से न सिर्फ रोशनी गुजर सकती है बल्कि जब इनको वोल्टेज दिया जाता है तो ये अपनी डायरेक्शन यानी सिम्त को तब्दील कर लेते हैं। दोस्तों आइए एलसीडी के अंदर मौजूद कंपोनेंट्स को पढ़ते हैं। ये खुद से लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकती, इसलिए इनको अलग से लाइट सोर्स की जरूरत होती है जिसके जरिए रोशनी अंदर दाखिल होती है, फिर पोलराइजेशन फिल्टर्स और इलेक्ट्रोड्स के जरिए उस रोशनी को लिक्विड क्रिस्टल से गुजारा जाता है। उसके बाद कलर फिल्टर मौजूद होते हैं जो स्क्रीन पर नजर आने वाली तस्वीरों में कलर भरते हैं। दोस्तों कंपोनेंट्स के बाद आइए हम पढ़ते हैं कि इन लिक्विड एलसीडी स्क्रीन्स काम किस तरीके से करती हैं। दोस्तों लाइट के अंदर ये खसूसियत होती है कि ये जब भी किसी सोर्स से खारिज होती है ये हर तरफ फैल जाती है, चाहे वो सूरज हो, बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो या फिर टॉर्च हो। बिल्कुल इसी तरीके से जब एलसीडीज के पीछे बैकलाइट के जरिए इसको रोशनी दी जाती है तो वो रोशनी भी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल की सिम्त में मूव कर रही होती है। उसको काबू करने के लिए वर्टिकल पोलराइजेशन फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। ये वर्टिकल पोलराइजेशन फिल्टर ऐसी शीट्स होती हैं जिन पर वर्टिकल लाइंस मौजूद होती हैं और ये आपस में बहुत ज्यादा करीब होती हैं। दोस्तों इनमें से सिर्फ वर्टिकल एक्सिस पर जो लाइट आ रही है सिर्फ वही इनमें से गुजर सकती है। दोस्तों फिर इलेक्ट्रोड्स के जरिए इन पर वोल्टेज अप्लाई किया जाता है और लिक्विड के क्रिस्टल्स बहुत स्मार्ट होते हैं। जब इन पर वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो ये अपने आप को ट्विस्ट कर लेते हैं यानी अपनी सिम्त को 90 डिग्री के एंगल पर मूव कर देते हैं। उसके बाद इस लाइट को इन क्रिस्टल्स से गुजरते हुए हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन फिल्टर से गुजारा जाता है। दोस्तों ये सारा तरीकेकार इसलिए किया जाता है ताकि लाइट हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन फिल्टर से गुजर सके, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन फिल्टर से सिर्फ वही लाइट गुजर सकती है जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस पर आ रही हो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब लाइट बेंड नहीं हो रही यानी ट्विस्ट नहीं हो रही तो यहाँ पर कोई भी इमेज नहीं बन रही। उसके बाद
इस लाइट को कलर फिल्टर से गुजारा जाता है। कलर फिल्टर की मदद से स्क्रीन पर कलर पैदा किए जाते हैं। जब लाइट फिल्टर से पास होती है तो फिल्टर इस पर रेड, ग्रीन और ब्लू पैटर्न बना होता है। उस लाइट की इंटेंसिटी यानी शिद्दत को कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर की मदद से काबू करता है, ताकि कितनी लाइट एक पिक्सल पर पड़ेगी कि वो मखसूस कलर स्क्रीन पर प्रोड्यूस करेगा। तो इसके लिए कलर फिल्टर इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लाइट इसे दे रहे हैं और ये लाइट की ऐसी इंटेंसिटी इन पर डाल रहा है कि ये दो कलर एक तीसरा कलर बना रहे हैं। दोस्तों, ये सारा काम सिर्फ एक सेल के लिए होता है। बहुत सारी सेल की को मिलाकर पूरी स्क्रीन बनती है, जिससे स्क्रीन पर इमेजेस यानी ग्राफिक्स बनाए जाते हैं। दोस्तों, ये थी एलसीडी की इंटरनल वर्किंग। आइए अगली डिस्प्ले स्क्रीन यानी ग्लास प्लाज्मा डिस्प्ले स्क्रीन्स को डिटेल में पढ़ते हैं। ये ज्यादातर बड़े टीवी स्क्रीन्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अपनी बड़ी स्क्रीन, हल्के वजन और हाई डेफिनेशन कलर्स यानी बहुत ज्यादा रेजोल्यूशन होने की वजह से इन्हें बहुत अहमियत हासिल है। इनके अंदर शीशे की दो प्लेट्स के दरमियान लिक्विड क्रिस्टल्स के बजाय एक खास किस्म की गैस मौजूद होती है। जब उस गैस के एटम्स को इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यानी करंट दिया जाता है तो एक नई लाइट को खारिज करती हैं। दोस्तों, जब उस लाइट को यानी उस रोशनी को फास्फोरस कोटिंग से गुजारा जाता है, जिसके अंदर रेड, ग्रीन और ब्लू कलर के फास्फोरस मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से स्क्रीन पर मौजूद तस्वीर के अंदर कलर्स नजर आने लगते हैं। ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव यानी महंगी होती हैं और इनको चलाने के लिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। इसके बाद आती है ईएलडी डिस्प्ले स्क्रीन। ये मुखफ्फिफ है इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले का। इसके अंदर दो प्लेट्स के दरमियान गैस के बजाय फॉस्फोरस इस्तेमाल किया जाता है। उन प्लेट्स के ऊपर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वायर्स की कोटिंग हुई भी होती है। जब उन प्लेट्स के ऊपर से करंट को गुजारा जाता है तो उसके अंदर मौजूद फॉस्फोरस ग्लो करने लगता है, जिसकी वजह से स्क्रीन पर मौजूद तस्वीरों के अंदर कलर नजर आने लगता है। दोस्तों, ये एलसीडी और ग्लास प्लाज्मा की तरह हल्के और पतले होते हैं और इनके अंदर मौजूद ग्राफिक्स बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होती हैं। दोस्तों, इनको हल्के वोल्टेजेस पर भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये कॉस्टली होती हैं, यानी ये एलसीडी के मुकाबले में महंगी होती हैं। दोस्तों, ये थी डिस्प्ले स्क्रीन्स की टाइप्स। अगले लेक्चर्स में हम वीडियो डिस्प्ले अडैप्टर, ऑडियो वीडियो आउटपुट डिवाइसेस और हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे।